लखनऊ में एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। राजधानी लखनऊ में प्रशासन सतर्क, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप, आनंद फानंद में पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने एक युवक को भी किया गिरफ्तार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ में एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। राजधानी लखनऊ में प्रशासन सतर्क, पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रशासन में मचा हड़कंप, आनंद फानंद में पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने एक युवक को भी किया गिरफ्तार। लखनऊ में एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। राजधानी लखनऊ में प्रशासन सतर्क, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुलिस और प्रशासन में मचा हड़कंप, आनंद फानंद में पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अबू तलहा। अबू तलहा, कब और किस तरह ये धमकी मिली और पुलिस की जांच में अब तक क्या सामने आया है? देखिए आफीफा, बिल्कुल अगर आपको बता दें तो ये सूचना डायल 112 को मिली थी कि एयरपोर्ट पे बम की सूचना दी गई थी। और देखिए, एक युवक द्वारा ये सूचना दी गई थी, जिसके बाद पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही थी। और आनंद फानंद में देखिए, डॉग स्क्वाड हो चाहे वो बम स्क्वाड हो, सबको सतर्क कर दिया गया था, क्योंकि एक बड़ी सूचना थी बम की, इसलिए तमाम जो अधिकारी हैं वो सतर्क हो गए थे। हालांकि जब जिस युवक ने फोन किया था उसको ट्रेस किया गया सर्विलांस माध्यम से, तब उसकी गिरफ्तारी की गई। अब पुलिस का पूरे मामले पे कहना है कि जो जिस युवक ने ये सूचना दी थी बम की, उसका मानसिक संतुलन सही नहीं था और उसने ऐसे ही सूचना दे दी थी। हालांकि देखिए, जब भी इस तरह का मौका होता है, चाहे वो 26 जनवरी हो चाहे वो 15 अगस्त हो, तो इस तरह की सूचनाएं 112 नंबर पे आती हैं। पर पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और जल्द ही उस युवक को गिरफ्तार किया गया जिसने सूचना दी थी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल जो युवक की गिरफ्तारी हुई है उससे पूछताछ की जा रही है, उसके परिजनों को बुलाया गया है। और फिलहाल परिजन जो है उनका कहना है कि जो युवक है उसका मानसिक संतुलन सही नहीं था और ऐसे में उसने ऐसे ही डायल 112 पे सूचना दे दी थी, पर एक बड़ी सूचना थी जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया था। जी आफीफा, अबू तलहा, इस खबर को लेकर प्रशासन का क्या रुख है? क्योंकि एक तरफ गणतंत्र दिवस और दूसरी तरफ इस तरह की धमकी मिलना कहीं ना कहीं स्थिति चिंताजनक बनाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए गणतंत्र दिवस है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था काफी ही रहती है। और ऐसे में देखिए, तमाम जगह, सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं और भी तमाम जगह की बात की जाए तो देखिए दिल्ली में भी इस तरह की अभी हाल ही में सूचना दी गई थी कि ट्रेन में बॉम्ब, जिसके बाद देखिए अधिकारियों में हड़कंप मच गया था और तुरंत डॉग स्क्वाड बॉम्ब स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया था। हालांकि वो सूचना भी फर्जी निकली थी, झूठी निकली थी। तो ऐसे में देखिए तमाम इस तरह की सूचनाएं आती हैं, पर देखिए प्रशासन का भी कहना है कि वो पूरी तरह से अलर्ट है। और अलर्ट अभी से नहीं, आज से 10 दिन पहले से ही उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने अलर्ट जारी कर दिया था, क्योंकि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, तमाम जांच एजेंसियों ने कहा था कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला हो सकता है, तो उसको लेकर देखिए अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया गया था। और अब प्रशासन का साफ तौर से कहना है कि तमाम जो अधिकारी हैं वो सतर्क है, साथ साथ जो निचले स्तर के जो पुलिसकर्मी हैं, जो अधिकारी हैं वो सतर्क है, और जो जांच एजेंसियां हैं उनको भी सतर्क कर दिया गया है कि इस तरह की कोई घटना ना हो और इस तरह की अगर सूचना आती है तो उसे गंभीरता से लिया जाए और तुरंत इसका निस्तारण किया जाए।